हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लोटस हर्बल्स, जो कि एक बहुत ही जानी मानी ब्रांड्स है, उसके प्रो ब्राइट रेंज के बारे में। ये मैंने डे एंड नाइट कॉम्बो इस वीडियो में रिव्यू करने के लिए चूज़ किया है, जिसमें एक फेस वॉश आता है, एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम। तो लोटस के मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, मेकअप में भी और स्किन केयर में भी, और मुझे हमेशा ही वो काफ़ी सूट भी करे हैं और अच्छे भी लगे हैं। रिसेंटली मैंने अपने सिस्टर का एक फेस वॉश यूज़ किया था लोटस का, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो अभी उसके बाद मैं ये रेंज यूज़ कर रही हूँ, जो कि प्रो ब्राइट रेंज है, जिसमें ये तीनों प्रोडक्ट्स आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द रिव्यू। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी इस फेस वॉश के बारे में, जो कि इल्यूमिनेटिंग रेडियंस क्लिंजिंग फॉर्म के नाम से है। तो लोटस हर्बल्स का प्रोब्राइट रेंज का ये प्रोबायोटिक एक्टिव कॉम्प्लेक्स के साथ जो क्लिंजिंग फॉर्म है, वो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि विदाउट इनके भी मैंने एक बार यूज़ करा था, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी थी और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा था। मेरी सिस्टर भी ये यूज़ करती है। तो बेसिकली ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, सारी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सल्फेट फ्री है, और इसमें जो एक्सट्रैक्ट्स हैं हेल्दी बैक्टीरिया जो प्रमोट करते हैं आपकी स्किन में, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इसको यूज़ करने के बाद। इसकी कंसिस्टेंसी जेल लाइक है, अच्छी क्वांटिटी इसमें आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्लियर जेल फॉर्म में आपको मिलेगा। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। और क्रीम यूज़ करने से पहले जनरली अगर आप यूज़ करेंगे फेस वॉश को, तो एक क्लियर स्किन पे और साफ़ स्किन पे अगर आप क्रीम अप्लाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसके बाद डे क्रीम के बारे में बात करते हैं, जो कि इल्यूमिनेटिंग रेडियंस क्रीम के नाम से अवेलेबल है। तो इसमें SPF 20 है। तो फिलहाल मुझे नीड अप्लाई मतलब फील नहीं होती है कि मैं सनस्क्रीन भी एडिशनली अप्लाई करूँ आफ्टर अप्लाइंग दिस डे क्रीम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी SPF 20 है ही, और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है अभी नॉर्थ इंडिया में, इनफैक्ट विंटर्स आने ही वाली हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी मतलब काफ़ी है। सनस्क्रीन आपकी चॉइस है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसके बाद। ये क्रीम भी प्रिजर्वेटिव फ्री है और सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे, आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ आफ्टर यूजिंग द फेस वॉश, और मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं बाहर, इसमें साकुरा एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि जापानीज़ साकुरा एक्सट्रैक्ट, जो मेलेनिन जो प्रोडक्शन होती है स्किन में उसको थोड़ा कम करता है, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, जिससे कि आपके स्किन पे एक रेडिएंट ग्लो बना रहता है। और जो दूसरा मेन इसका इंग्रेडिएंट है वो है लैक्टोकोकस वर्मेंटाइजर, जो कि आपके स्किन में हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी स्किन को काफ़ी रेडिएंट और ग्लो प्रोवाइड करते हैं, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी सफल दिखती है पूरे दिन। तो मैं आपको इस क्रीम की कंसिस्टेंसी और पैकेजिंग दिखा देती हूँ। काफ़ी प्रीमियम लुक इसको दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, 50 ग्राम। मैंने काफ़ी यूज़ भी कर ली है, इसके बाद ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। ये नाइट क्रीम का थोड़ा सा अमाउंट, सॉरी डे क्रीम का थोड़ा अमाउंट मैंने लिया है, मैं आपको ऑन द बैक ऑफ माई हैंड अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और काफ़ी जैसे आप देख सकते हैं रेडिएंट अचानक से आपकी स्किन को, मेरे दोनों हाथ में आप अभी भी डिफरेंस देख सकते हैं। इस पे जस्ट मैंने अभी डे क्रीम अप्लाई करी है, और इस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं।
काफ़ी जल्दी से एब्जॉर्ब होती है स्किन में, काफ़ी उसको सपल और रेडिएंट बनाती है। तो मुझे ये बेसिकली काफ़ी अच्छी लगी, इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। और ज़्यादा जैसे किसी किसी को चिपचिपे प्रोडक्ट्स पसंद नहीं होते, मुझे भी नहीं पसंद, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा दिन में अदरवाइज़ डर्ट अक्यूमुलेट हो जाता है स्किन में। तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है और बिल्कुल भी ऐसा ड्राई नहीं है कि स्किन में बिल्कुल ही मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आपको फील ना हो। इनफैक्ट अभी थोड़े विंटर्स ही आने वाले हैं तो खिंचा खिंचापन जो फील होता है फेस में, अगर आप कुछ भी हल्का सा भी मॉइस्चराइजिंग ना लगाएं तो वो फील नहीं होगा इसको लगाने के बाद, और काफ़ी अच्छा रेडियंस और सपल लुक आपको ये क्रीम देगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये नाइट क्रीम है सेम रेंज की, और मैंने इनकी वेबसाइट की वीडियो भी रिकॉर्ड करी है जिसमें मैं दिखाऊंगी कि आपको कितना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है इनके वेबसाइट पे। और उस डिस्काउंट के साथ मेरे पास एक एडिशनल कूपन कोड भी है जो कि मैंने मेंशन करा है इन द सेम वीडियो, लाइक विच इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली। मैंने वेबसाइट का थोड़ा सा पोर्शन जो है कैप्चर करके इसी वीडियो के साथ लगाया है। ये है नाइट क्रीम। नाइट क्रीम बेसिकली डे क्रीम से थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती है क्योंकि रात को स्किन रिपेयर करने का काम करती है। नाइट क्रीम हमेशा थोड़ी थिक होगी और थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होगी। आप अच्छे से इसको लगा के मसाज करने के बाद सोएं, और ये दिन में जब आप सुबह सो के उठेंगे तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी और ग्लो जो है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि रात को ही रीजनरेट होते हैं हमारे डेड सेल्स जब होते हैं, उसके बाद जो रीजनरेशन होता है फेस में नए सेल्स का वो रात को ही होता है। तो जब आप उसे अच्छा मॉइस्चराइज़र फेस को देंगे रात को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी नाइट क्रीम लगाई है इस हैंड पे, और अब देखिए अब ये भी उतना ही सपल और मॉइस्चराइज्ड फील हो रहा है जो कि पहले नहीं हो रहा था अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये रेंज आप अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे 30% डिस्काउंट पे, इनफैक्ट मैंने देखा था वेबसाइट पे अभी रिसेंटली। और साथ साथ ही कुछ चीज़ें भी आपको फ्री मिलेंगी डिपेंडिंग ऑन द ऑफर एट दैट टाइम, जैसे कि कभी सेल्फी रिंग मिल सकती है, जेड रोलर मिल सकता है। तो आप ऑर्डर करते वक्त मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो डिस्काउंट इस टाइम अवेलेबल है उस पर 10% एडिशनल और मिलेगा, जो कि मैंने वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखाया है कैसे यूज़ करना है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेंज लोटस की कैसी लगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अपने रिव्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ फैंटेस्टिक डे अहेड। बाय।